हे गाइस, टोयोटा लेके आ रही है अपनी न्यूएस्ट व्हीकल जो कि होगी टोयोटा करोला क्रॉस। ये टोयोटा करोला क्रॉस अभी एशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही है। जैसे देखा जाए तो इंडोनेशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, इस साइड पे पूरी तरीके से बिक रही है, बट इंडिया में अभी आने वाली है। गाड़ी अभी ऑटो एक्सप्लोर में दिखाई दी थी लेकिन एक हाइड्रोजन इंजन के साथ, जो कि बहुत ही शानदार चीज़ है अगर इंडिया में आई तो। गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो मेरे ख्याल से आपको ये तकरीबन मिड 2023 तक देखने मिल जाएगी, अप्रैल टू जून में देखने मिल सकती है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो प्राइसिंग मेरे ख्याल से इसकी वही रहेगी आपकी 14 लाख से लेकर 18 लाख। इंडियन मार्केट में इस गाड़ी के राइवल्स बहुत सारे रहेंगे, जैसे मेजर में देखा जाए तो ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, जीप कंपस, MG हेक्टर और टाटा हैरियर। ये गाड़ी आपको तीन ट्रिम्स में अवेलेबल होगी, LLE XEL। अब ये गाड़ी इंजन के अंदर इस फॉर्म में आएगी, इसमें दो इंजन मिल जाएगा। पहला आपको हो जाएगा 1.8 लीटर का फोर सिलेंडर इनसाइन पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा पावर 140 BHP की और टॉर्क 175 Nm। दूसरा वाला इंजन एक हाइब्रिड इंजन हो जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा वही सेम इंजन 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफ 600 वॉट एडिशनल इलेक्ट्रिक मोटर। ये गाड़ी इसमें प्रोड्यूस करेगी 140+72 BHP की पावर और 163 Nm का टॉर्क। मेरे ख्याल से आपको ये नहीं मिलेगा, बट अगर मिलता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि ये हाइब्रिड गाड़ी इंडिया में बहुत अच्छी, लेकिन अभी इन्हें हाइड्रोजन पावर्ड वाली करी है। अब इसकी ट्रांसमिशन पेयरिंग किससे होगी, एक आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल मिल जाएगा और एक 7 स्पीड वाला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में। ये गाड़ी लेंथ में रहेगी 4460 mm, विथ में रहेगी 1825 nm, हाइट में रहेगी 1660 nm की और व्हील बेस में रहेगी 2640 mm। अब बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर की, क्रॉसओवर गाड़ी तो काफ़ी रफ एंड टफ लुक में आएगी। अगर जैसे आप फ्रंट पे देखें तो आपको एक ब्लैक आउट ग्रिल मिल जाएगी जिसके अंदर आप टोयोटा की बैजिंग मिल रही है। अगर अपन हेडलाइट्स की बात करें तो थोड़ी स्ट्रीक हेडलाइट्स लगेंगी, अभी तक इन्हें मॉडर्नाइज लुक नहीं किया है जो टोयोटा का, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। साइड प्रोफाइलिंग की बात करें गाड़ी की, साइड प्रोफाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ और मस्कुलर लुक है। इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद पूरा ब्लैक आउट रिम के साथ। देखा जाए तो डायमंड कटेड अलॉय व्हील्स भी एक ऑप्शन में आ जाएंगे। ऊपर आपको एक रूफ रेल मिल जाती है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक में आ जाती है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, सिंपल सा एक आपको टेल लैंप दे दिए गए हैं स्लिक स्टाइल के और ऊपर एक शार्क पिन दे दिए। बहुत मिनिमलिस्टिक लुक रखा गया है इस गाड़ी के अंदर एक्सटीरियर के बेसिस पर। गाड़ी का इंटीरियर टोयोटा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नाइसर साइड पर चला जाता है, बहुत मिनिमलिस्टिक लुक अंदर भी नहीं रहता है। इसमें आपको मिल जाता है 3 स्पोक वाला स्टेयरिंग व्हील जिसमें आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप चलेंगे तो आपको एक सेमी ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लोअर मॉडल में और फुल्ली ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपर मॉडल्स में मिल जाएगा। एक 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। मेरे ख्याल से टोयोटा को और बड़ा करना चाहिए क्योंकि अब इंडियन मार्केट में ज़्यादा इन सब चीज़ों की ही डिमांड। इसमें आपको आगे 12 वोल्ट का USB-A और USB-C पोर्ट मिल जाएगा, मतलब चीज़ें तो हैं। इंटीरियर में वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, दुनिया भर का तामझाम भी है, डुअल टोन इंटीरियर लेदर भी है, अपहोल्स्ट्री भी है, चीज़ें दी गई हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ी सी और बढ़ सकती थी इंडियन मार्केट के हिसाब से। इस गाड़ी में आपको एक एडास वाला सिस्टम भी मिल जाता है जिसका मतलब होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। ये गाड़ी की सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी के लिए आता है। इसके अंदर आपको पहली बात टोयोटा करोला में 6 एयरबैग मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी बात है। एडास के अंदर आपको फ्रंट कोलिजन, बैक कोलिजन, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट सेंसर, बैक सेंसर और डिपार्चर लेन, लेन असिस्ट, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी जो कि इंडियन मार्केट के आपसे काफ़ी अच्छा है। अभी एडास हर गाड़ी में आ रहा है, मेरे ख्याल से इस गाड़ी में भी सही आ रहा है, बट मेरे ख्याल से इस गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा और लोअर स्पेक में आ सकती है। इन्हें बाहर वाला मार्केट अगर यहाँ पर निकाल दिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड चल जाएगी, तो फिर सेल करना इंडिया में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाएगा। So that's it for today guys, if you like this video please like and subscribe my channel. If you have any problem just message me on Instagram or email me. Bye, peace.